हेलो दोस्तों, स्वागत है मिल्क हाउस के एक और नए वीडियो पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये देखिए, ये जो काली वाली गाय है, ये मेरे को लग रही है आज हिट मार चुकी है, क्योंकि ये बार बार इस तरीके से पूंछ उठा रही है और ये रेड वाली गाय के ऊपर बार बार चढ़ने की कोशिश कर रही है। तो ये सुबह से थोड़ा बहुत आवाज़ लगा रही है, बट हमें समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने अभी कृष्णा सर को फ़ोन किया है, डॉक्टर को। तो वो थोड़ी देर बाद आएंगे और चेक करके बताएंगे कि गाय हीट में आई है या नहीं आई है। ये देखिए, ये सुबह से थोड़ा अजीब हरकत कर रही है आज, और मेरे को लगता है ये हीट मार चुकी हैं। ये देखिए, और इनका भी दूध 13-14 प्लस जाता है। ये देखिए, और 1-2 लीटर अपन अभी बच्चे के लिए छोड़ देते हैं, तो तकरीबन तकरीबन इनका भी 16 लीटर दूध आसपास होता है, 16-17 के आसपास होता है। तो चलिए दोस्तों, हम डॉक्टर का वेट करते हैं। तब तक डॉक्टर के आने के बाद मैं ये वीडियो कंटिन्यू करूँगा, कितना सर बताएंगे गाय हिट में आई है या नहीं आई है। तो चलिए, मिलता हूँ डॉक्टर के आने के बाद। तो अभी डॉक्टर सर आ गए हैं और अभी गाय को बांधने का जुगाड़ देख रहे हैं। अभी सर ने देखते ही बोल दिया था कि गाय हीट में आ गई है, तो अभी इनका AI करा रहे हैं अभी। तो सर, कौन सा सीमेंट लगा रहे हैं अभी? HF लगा रहे हैं। ठीक है, हमने साहिवाल बोला था लेकिन सर के पास साहिवाल नहीं है, HF और जर्सी है, तो अभी HF लगवा रहे हैं अभी। तो अभी गन तैयार कर रहे हैं सर। गन तैयार हो गया है। और सर अभी ग्लव्स कैरी करते हुए अपने साथ, ये इनका मेरे यहाँ फर्स्ट टाइम AI हो रहा है अभी, तो ये थोड़ा छटपटा रही है अभी। बच्चे तन बहुत बड़ा गांव खा गए हैं, गांव था ये बड़ा गांव था भाई। वो बच्चा दाने में कुछ प्रॉब्लम था ना इनके, बहुत गांठ हो उसमें, है बहुत, इतना मोटा गांठ हो बच्चे दाने में, ऐसा उसी के चलते ऐसा होता है। हां, टूटा बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा गांठ है। तो फिर कोई इलाज? कोई इलाज तो दवा डाली है कि गांठ किसे इतना बड़ा है। एकदम पूरा बच्चेदानी एकदम मोटा हो गई, बच्चेदानी मोटा हो गया पूरा, पूरा गांठ है, गांठ देखो ये पूरा।
ये प्रॉब्लम था इनको, ये अभी तक ठीक नहीं हुआ था। फोल्ड के डकात देखा था पूरे पूरा देख रहा हूँ, लेकिन मुझे तो एक लफाफा कम लगा था ऐसा, ताकि पूरा मोटा गांठ हो गई सर हो गया। हाँ एक तू एक उपाय करा, हाँ एक एक तू निकाल दा ना बात मान। अच्छा यही फला है। अच्छा ये कितना दावा करो यार, सक्सेसफुल जर्सी नहीं हो पाना यही फफे बेटा है, देख ला रुक जाए अच्छी बात है, लेकिन हम आपा हमसे पूरा थोड़ा कम लगे। तो दोस्तों अभी कृष्णा सर ने AI करा गाय का, और उन्होंने बताया कि गाय के बच्चेदानी में जो वाइट वाइट डिस्चार्ज हो रहा था उसमें बच्चेदानी में बहुत ज़्यादा बड़ा गांठ हो गया है, जिस वजह से वाइट वाइट गिर रहा था यहाँ पे कहीं पे, ये देखिए। तो उन्होंने सलाह दिया कि अभी जो उन्होंने AI करा है वो 50-50 चांसेस है, सक्सेस हो भी सकता है, सक्सेस नहीं भी हो सकता है। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि आप कितना भी दवाई इनको खिलाएंगे गाय का बच्चेदानी ठीक नहीं होगा, क्योंकि सर बोल रहे थे क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे केस इस तरीके के केस हैंडल कर चुके हैं, तो उसमें खर्चा बहुत आता है और गाय ठीक भी नहीं होती है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इस गाय को निकाल दें। तो ये थोड़ा हम लोग को सदमा लग गया है, क्योंकि गाय बहुत अच्छी है, गाय बहुत अच्छी है और दूध देने में कोई भी कमी नहीं करती है। ये अभी 16-17 लीटर दे रही है, फिर भी ये सुन के थोड़ा दुख लग गया अपने को। ये देखो यार कितनी सुंदर गाय है, सर बोल रहे थे कि इस बार अगर AI सक्सेसफुल हो जाता है तो लास्ट मतलब अगले बार साथ सक्सेस ना हो, इस बार हो सकता है, 50-50 चांस है। तो अभी हम 21 डेज वेट करके देख लेते हैं, और ये बहुत बड़ा समस्या हो गया हमारे यहाँ फिर से एक और। हमने उनका दवाई लगवाया था जो वाइट वाइट डिस्चार्ज हो रहा था बच्चेदानी में जो प्रॉब्लम था, लेकिन दवाई असर नहीं करा, जिस वजह से ये इनका बच्चेदानी अभी ख़राब हो रहा है। सर बोले पूरा ख़राब नहीं हुआ है, फिर भी आप जितना खर्चा करोगे खर्चा ज़्यादा होगा, लेकिन गाय ठीक नहीं होगी, क्योंकि वो 5-6 इस तरीके का केस दिख चुके हैं। तो चलिए दोस्तों।